दोस्तों, ये मेरी फिल्म का सेकंड डे है और ये जितने भी लोग खड़े हैं ये मेरी ऑडियंस है। और ये ऑडियंस वो है जिनको ना मैंने कुछ कहा ना इनसे कुछ कहा, इसमें से कुछ ही लोग हैं, एक दो जो मुझे जानते हैं पर्सनली पहले से, बाकी सब लोग मेरे दर्शक हैं। मैं सिर्फ इन सबसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ जो मैंने आपको टीवी में बोला था और चैनल में बोला था, एक ही बात कि अगर मैंने फिल्म बनाई और अगर फिल्म लोगों को अच्छी नहीं लगी तो मैं ज़िंदगी में कभी फिल्म नहीं बनाऊंगा, ये चैलेंज दिया था मैंने। मैं ये पब्लिक है ये मेरी जो मेरे साथ खड़ी है, यहाँ जितने लोग हैं चाहे 10 हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ इन सबसे कि मुझे दोबारा पिक्चर बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए? बनानी चाहिए। और आप लोगों को पिक्चर कैसी लगी? बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब इतना अच्छा लगा कि मैं तो 14-15 साल के बाद थिएटर में आ रहा हूँ पिक्चर देखने के लिए और वो जरा भी बोर नहीं हुआ मैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। बढ़िया, मैंने तो नहीं बोला, नहीं, बहुत अच्छा लगा। और सब लोग को यही कहूँगा कि आप सब लोग आ जाओ, जो भी कोई आ रहेगा। जो रिव्यू है ये मेरे बनाए हुए नहीं है, ना मैं इनको जानता हूँ, ये मेरी फिल्म देखने के बाद के रिव्यू है। लोग क्या सोचते हैं रिव्यू में कि शायद इन लोगों ने किसी को पैसे दे के या किसी को कहा होगा अच्छा बोल दो, मेरी फिल्म ऐसी नहीं है सर। मैं आप लोगों को अभी भी बोलता हूँ, बहुत अच्छी स्टोरी है, सब लोग आ जाइए देखने के लिए। देखिए, मैं राज कपूर हो गया और मेरा नंबर है मेरा सोशल मीडिया पे मानव सोहल, मेरा बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया है। अगर आपको फिल्म अच्छी नहीं लगती तो डालिए उस पर कि दिस मूवी इज नॉट गुड, बट बिना देखे रिव्यू मत दीजिए, बिना देखे। सही बात है, नहीं पिक्चर वाकई में स्टोरी अच्छी लगी, स्टोरी बहुत अच्छी लगी क्योंकि एक हारा हुआ इंसान फिर से जीतने की कोशिश करता है, यही दिखा कि किस जो बहुत प्यार है उसको अपना है, अपना प्यार वो मिल जाता है। और आपको ये बहुत अच्छा लगा कि मैं लक्ष्मी को मिला, लक्ष्मी को मिला, उसका प्यार उसको मिला, और जरूर होना चाहिए। जबकि सब लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं लक्ष्मी से नहीं मिलूंगा, नहीं मिलूंगा, लेकिन उसका प्यार उसको मिल जाता है। ज्यादातर फिल्मों में ऐसा ही होता है कि जो सेक्रीफाइस करता है वो बेचारा दुखी रह जाता है जिंदगी भर, वो दुखी रह जाता है फिर। मैडम, आप भी देखे मेरी फिल्म, कैसी लगी आपको? अच्छा लगा, लास्ट में आपको लक्ष्मी से मिले ना, बहुत अच्छा लगा। तो देखा आपने, ये लक्ष्मी से मिलना सबसे अच्छा लगा लोगों को। और मैं भी अच्छा लगा है? आपका स्टोरी ना अच्छा लगा, लव स्टोरी ना, बोलेगी मेरी फिल्म देखने के लिए। हाँ, आप दोबारा बना, हम लोग देखने आएंगे आपका। तो दोस्तों, मेरा मतलब आई एम वेरी हैप्पी टुडे बिकॉज दिस इज माई अचीवमेंट, यू कैन से दैट, बिकॉज मैंने जो चैलेंज किया था वो मेरा दर्शकों पे, मैं आने को तैयार हूँ, आप जहाँ बोलेंगे जिससे मिलेंगे। और अगर आप में से लोगों को पिक्चर अच्छी नहीं लगेगी तो मुझे बताइए, क्योंकि अभी तक जो लोग मुझे मिल रहे हैं सबको मेरी फिल्म अच्छी लग रही है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी थिएटर में जाएँ और मेरी फिल्म को अप्रिशिएट करें। हाँ, आप बताइए। पहले बताइए, मैंने बताया नहीं, सही बिंदास बहुत अच्छी लगी, लास्ट का भी आप शुरू से मुझे अच्छी लगी, मेरे को भी बहुत अच्छी लगी, एकदम अच्छी। लास्ट में तो मुझे रोना भी आया, लक्ष्मी से तो मिलने बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, पब्लिक जाओ और सच में जाके पिक्चर देखो, दिल से कसम से सब रो दोगे आप, इतनी खतरनाक पिक्चर बनी। मैं तो दिल से बोलूंगा जाकर पिक्चर देखो, सच में बहुत मस्त बना सर, कसम से दिल से, मतलब पूरा आधे टाइम मैं पूरा खाली रो ही रहा था, इतनी मस्त पिक्चर है, दिल से पिक्चर जाके देखना चाहिए सर। चलिए सर, मैं खुद आया था, कुछ रिव्यू हो चुके हैं कई थिएटरों में हुए हैं जो आपने देखेंगे अलग अलग लगे से, लेकिन यहाँ मैं खुद आया रिव्यू देखने और मैं पहले साइड में खड़ा था, ये देख रहा था लोग क्या बोलते हैं। बाद में मुझे पता चलता है कि जब लोगों ने तारीफ़ की मुझे देख लिया तो मेरे पास आए। बस मैं यही कहूँगा आपसे, मेरी फिल्म थिएटर में लगी है, प्लीज़ गो एंड वॉच माई मूवी, थैंक यू। मैं राज कपूर हो गया, थैंक यू।